सेम यही जगह गर्मियों में हरे हरे सेब के पेड़ होते हैं, छोटे छोटे सेब लगे होते हैं बर्फ गिरते हुए। लेकिन अब मेरा घर भी पहाड़ों में है, मैं भी बर्फ देख सकती हूँ और जब चाहे तब आ सकती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ कानाताल व्लॉग। सो ये है डे टू। डे फर्स्ट का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो आज का दिन था बहुत ही खूबसूरत। तो ये है नेक्स्ट डे इन कानाताल। फिलहाल तो यहाँ बर्फ के साथ बारिश हो रही है। अब बर्फ गिरने लग गई, अब ओले गिर रहे हैं। अभी तक तो बारिश हो रही थी। क्या कॉम्बिनेशन है, बर्फ के साथ बारिश भी, ओले भी और बर्फ भी। तो अगली सुबह बहुत ही खूबसूरत थी क्योंकि हमने उससे पहले रात को बर्फ तो देखी थी लेकिन उसके नेक्स्ट डे हमने स्नोफॉल भी देखी होते हुए। तो ये था स्नोफॉल से पहले का व्यू। यहाँ पे डेली थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा था और सुबह सुबह ये मेस्मराइजिंग व्यू एंजॉय करने के बाद हम लोग चले गए थे ताई जी के पास ब्रेकफास्ट करने। और उन्होंने बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट कराया था, बिल्कुल चूल्हे में जो कि बना था, एकदम बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था चूल्हे का उसमें। ये देखिए, ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल फूड स्वाली और उसके साथ ये घर का बना हुआ घी और तिल की चटनी, बहुत ही टेस्टी था, एकदम मज़ा आ गया था ब्रेकफास्ट करके। और ये है हमारे होटल के बैक साइड का व्यू और होटल का नाम है मॉर्निंग ब्रीज। जब भी आप लोग यहाँ जाएँ तो ज़रूर वहाँ पे एक बार स्टे करें। उसके जस्ट पीछे से ही आपको इतना सुंदर नज़ारा मिलेगा ये देखने के लिए। देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत ही सारे टूरिस्ट आए हुए थे और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर। और इसी के साथ हमारा एक दूसरा होटल है पैसिफिक कानाताल। दोनों होटल बिल्कुल ही आमने सामने हैं और उसके बैक साइड ही आपको इतना सुंदर व्यू मिलेगा और आप स्नो इन्जॉय कर सकते हो। धुंध भी है और बर्फ भी है, ओले भी है और बारिश भी है, मिक्स मौसम है। स्नोफॉल प्रिडिक्ट की हुई है शाम तक 3 बजे तक, बट ये कल की स्नोफॉल है। सेम यही जगह गर्मियों में हरे हरे सेब के पेड़ होते हैं, छोटे छोटे सेब लगे होते हैं इन पे, बिल्कुल अलग होती है। और यही एग्जैक्ट जगह, ये पेड़ सूख चुके हैं पूरे और इनके बीच इतनी बर्फ है, तो कितना चेंज हो जाता है। अभी हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं, थोड़ा और ऊपर जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बर्फ मिलेगी। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा और आगे, जितने आगे जाएंगे उतनी ज़्यादा बर्फ मिलेगी। तो आपको कैसा लगा अपना ससुराल? मुझे अपना ससुराल बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लगा। मैं हमेशा सोचती थी कि वो लोग कितने लकी होते हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, लाइट देखते हैं बर्फ गिरते हुए। लेकिन अब मेरा घर भी पहाड़ों में है, मैं भी बर्फ देख सकती हूँ और जब चाहे तब आ सकती हूँ। तो हम लोग वापस निकल चुके थे ऋषिकेश के लिए और देखिए रास्ते में इतनी तेज
ओले गिर रहे थे कि हमें गाड़ी रोकनी पड़ी, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ा। तो अब हम लोग पहुंचने वाले थे ऋषिकेश, और जब हम वापस जाते हैं तो रास्ते में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से पूरा शहर दिखाई देता है ऋषिकेश। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें लक्ष्मण झूला भी दिखाई दे रहा है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।